गुड मॉर्निंग टू क्लास। प्यारे बच्चों, आप लोग साकुशल होंगे। आज मैं आप सबों को हिंदी में एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ, पाठ 13। कविता का शीर्षक है कर्तव्य। कर्तव्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? कर्तव्य का अर्थ होता है करने योग्य कार्य। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस कविता के माध्यम से प्राकृतिक की विभिन्न चीज़ों के प्रेरणा परत कर्तव्य को बताया गया है। तो आप लोग अपना बुक लेंगे और खोलेंगे पेज नंबर 77। प्यारे बच्चों, अभी मैं पढ़ूंगी, आप लोग भी मेरे पीछे मन से पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ 13 कर्तव्य कविता। जैसे सूरज चांद सितारे सबके लिए चमकते हैं, रंग बिरंगे फूल बाग के सबके लिए महकते हैं, सबको जीवन बांट रही या हवा हमेशा बहती है। हम सबके हैं सभी हमारे, बहती नदियां कहती हैं। रंग बिरंगे फूलों से, इन सूरज चांद सितारों से सीख मिली है हमें, हवा से, इन नदियों की धारों से। इस धरती का सबसे प्यारा नाता भाईचारा है, सबके साथ सदा मिलकर रहना कर्तव्य हमारा है। इसको लिखने वाले कवि हैं हरिराम द्विवेदी। जीवन मूल्य प्रकृति हमें हमेशा शिक्षा देती है। प्यारे बच्चों, अभी मैं इस कविता को पढ़ी, आप लोग भी बाद में बार बार पढ़ेंगे, ठीक है, और याद भी करेंगे। अभी मैं इस कविता में दिए गए कठिन शब्दों को दोहराने जा रही हूँ, आप लोग मेरे पीछे दोहराएंगे। सब कोई बोलिए बाग, बाग। धरों, धरों। नाता भाईचारा, नाता भाईचारा। सदा, सदा। कर्तव्य, कर्तव्य। प्यारे बच्चों, अभी मैं कठिन शब्द का अर्थ बताने जा रही हूँ। बाग, बाग का अर्थ क्या होता है? बगीचा। ठीक है, आगे धारों, धारों का अर्थ होता है बहाव। ठीक है, नाता भाईचारा, इसका अर्थ होता है भाई का नाता। ठीक है, सदा, इसका अर्थ होता है हमेशा। कर्तव्य, इसका अर्थ होता है करने योग्य कार्य। ठीक है बच्चों, हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।